सुनिए एक आम आदमी की आवाज। चूंकि पिछले 5 वर्षों तक झारखंड में बीजेपी की सरकार रही, ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि बीजेपी आज सरकार से हट गई? क्यों हारी बीजेपी? आज का मुद्दा यही है। बीजेपी हार गई ये तो मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन हारने की एक वजह नहीं है। सबसे पहले कहा जाए तो बीजेपी ने 5 साल शासन तो किया, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने किया नहीं। हाँ, ये चीज हमने देखा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो दोनों ने मिलकर कुछ काम किया। ज्यादातर योगदान कहा जाए जो भी गलती कहाँ हुई सर? गलती कहा जाए कि हमारे राज्य सरकार ने जितने महत्वपूर्ण स्टेप केंद्र सरकार ने उठाया, हमारे राज्य सरकार ने नहीं उठाया, हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके कैबिनेट ने नहीं उठाया। और तो और दो गुट में बीजेपी खुद बढ़ती हुई नजर आई, जैसा हम लोगों को दूर से दिख रहा था, दूर से हम लोगों ने देखा। इसीलिए कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री आपस में ही फूट है एक दूसरे में ही, वो आरोप प्रत्यारोप में हराने में ही लगे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपस में फूटी हुई रही? फूटी हुई रही कि जैसा कि देखिए, इसमें टिकट बंटवारे को लेकर के, इसमें कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने अपने पैसे के दम पर जो है अपने पुनः टिकट जो है मांग कर लिया। कुछ ऐसे विधायक हैं अपने पैसे के दम पर जो है उन्होंने चुनाव में जो फिर से कहीं और से खड़े हो गए, तो पैसे के दम पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, ये चीज कह सकते हैं। भले चीज पब्लिकली नहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोग सभी लोग ऐसा जान रहे हैं। पब्लिकली दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? क्या कहना? दिखाई नहीं देना कि जैसे लिखित रूप से कहीं आपको पेपर में, न्यूज़पेपर में चीज नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग सीधे शब्दों में अगर कहें, क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिन लोगों को टिकट दी वो बिल्कुल गलत स्टेप था? सभी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें गलत है जिन्हें उन्हें बदलने की आवश्यकता थी। तो लोगों को बदलने से क्या पार्टी जीत जाती है? एक तरफ आप नीति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, उनकी भी कुछ न कुछ योगदान नहीं रहा इसमें बनाने में। लेकिन नारा तो दिया गया था 65 बार का, लेकिन उन्होंने उस तरह कार्य नहीं किया, समस्याएं से ही गुजरते गए और उन्होंने खुद समस्या बढ़ाया। आज वो वर्तमान में अपनी टिकट को भी नहीं बचा पाए, इसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। ठीक है, अपने सीट ये के तो आरोप है वो, क्या पिछले 5 सालों तक उनके द्वारा कोई भी कार्य यहाँ नहीं शुरू किया गया क्या? नहीं नहीं, कार्य शुरू किया गया, लेकिन जिस तरीके से हमारे राज्य तरीका कौन सा तरीका कैसा होना चाहिए था, क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? लोगों को इससे लाभान्वित हो, वो चीज हम नहीं कह रहे हैं कि ठीक है तरीका, मतलब कि लोगों को लाभ नहीं हुआ, ये चीज कह सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं से लोगों को लाभ हुआ, क्या राज्य सरकार से मिला, ये सभी लोग जान रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसे दोबारा चुन सकते? केवल योजना ही इस चीज को आप मानते हैं जिम्मेवार है कि इसके कारण यहाँ पार्टी बड़ी समस्या बेरोजगारी भी है सर? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी भी, इससे पहले नहीं थी क्या? बेरोजगारी थी, लेकिन इन 5 वर्षों में जितनी अधिक बढ़ी है, खास करके अपने क्षेत्र की बात करें कि चंद्रपुरा की यूनिट की बगल में और भी कोल माइंस है, वो सब बंद हो गए हैं, तो इस वजह से बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में काफी बढ़ी है। केवल आप इन एक दो मुद्दों को ही मानते हैं कि इतने बड़ा जो नारा था 65 बार का, उसमें पार नहीं लगा? नहीं नहीं, सबसे बड़ी वजह वो है ना सर कि आप कह सकते हैं आंगनबाड़ी जो सेविका थी उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना, वो पुरुष पुलिस कर्मी जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो ये बहुत गलत है। महिलाएं थी, समस्याएं सभी की होती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वर्तमान सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या क्या आप सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी आपकी? वर्तमान सरकार से मेरी ही निवेदन है उनसे, मैं ये अपने मुख्यमंत्री से आपके द्वारा ये निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार है, जो कुछ हद तक लगाम तो लगा है, लेकिन इसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इसमें महत्वपूर्ण स्टेप उठाए। और दूसरी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी समस्या कह जाए तो बिजली। क्या आपको लगता है यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा रघुवर जी के हारने का? उन्होंने कहा था कि अगर मैं 24 घंटे बिजली नहीं दे पाऊंगा तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। क्या आप समस्या रही जी? अच्छा, ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक आप हैं, क्या विचारधारा आपकी है? मेरी यही विचारधारा है कि जब आप पूर्ण बहुमत में भी हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, 5 साल आपके पास समय मिला हुआ है, जब आप इन 5 वर्षों में और इतने पॉजिटिव कंडीशन में आप नहीं जब बदल सकते हैं, कुछ नया स्टेप नहीं लेकर के राज बदल सकते हैं, अच्छी की ओर अग्रसर क्यों ले जा सकते हैं, तो फिर ये चीज मान ही नहीं सकते हैं कोई भी लोग कि ये चीज जो है वो उन्होंने चाहे सरकारें बदल सकती हैं। इससे आप ये भी कह सकते हैं हम। धन्यवाद।